नमस्कार, तरुस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चेन्नई की पानी की जो समस्या है वो बद से बदतर हो चली है, यानी पिछले दो सालों से यहाँ पर पानी नहीं बरसा है। 29 तारीख को एनडीटीवी के प्राइम टाइम पर हमारी एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें हमने साफ तौर पर यह बताया था कि तीन जो प्रमुख पानी के स्रोत हैं जो चेन्नई को पानी मुहैया करते हैं, वो एक तरह से बंजर जमीन बन चुके हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं अगर उस नदी के बीचों बीच आप खड़े होकर देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी रेगिस्तान में खड़े हैं। चेन्नई की दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग रात भर छोटे बड़े घड़े अपनी बाइक्स पे बांध कर दर दर भटक रहे हैं ताकि उनको कुछ पानी मिल जाए, ताकि वो अपने परिवार के लिए पानी जुटा सके। उसके अलावा जिसके पास पैसा है वो ट्रक से पानी ऑर्डर कर लेते हैं। क्या 3,000 से 4,000 रुपए जो ट्रक के ये लोग पे कर रहे हैं आज, जिसकी पहले जो कीमत थी वो सिर्फ 1,200 से 1,500 रुपए हुआ करती थी, तब भी उनको पानी मिल जाता है, यकीनी तौर पर उनको पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिए उनको 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ता है। इसके चलते जो चेन्नई मेट्रो वाटर कॉरपोरेशन है उसने भी एक हल निकाला। उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसमें ये कहा जाता है कि आप जाकर उस वेबसाइट पर पानी के टंकर बुक कर सकते हैं सिर्फ 600 रुपए में। लेकिन वो भी असफल ही रहा है, क्योंकि अगर आप कोशिश करें इस वेबसाइट पर जाकर पानी बुक करने का तो शायद आप इतनी आसानी से बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप लकी हुए तो शायद आपका टंकर बुक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है 10 से 15 दिनों तक का। ये जो पानी माफिया है ये इस वक्त पूरे चेन्नई में खूब पैसा बना रहे हैं, लोगों की मजबूरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। चेन्नई शहर को हर रोज 1200 एमएलटी पानी की जरूरत होती है, जहां पर चेन्नई मेट्रो वाटर कॉरपोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 650 से 850 एमएलटी पानी ही मुहैया कराता आ रहा था। अभी जो क्राइसिस है, जो पानी की समस्या है, इसके चलते 100 एमएलटी पानी भी चेन्नई मेट्रो कॉरपोरेशन नहीं दे पा रहा है। ये हकीकत है, ग्राउंड रियालिटी है। इसके अलावा जो बचा हुआ पानी होता है, यानी जो चेन्नई मेट्रो कॉरपोरेशन जो पानी मुहैया कराता है शहर को, उसके अलावा जो पानी की जरूरत होती है वो लोग जमीनी पानी पर निर्भर रहते हैं, या फिर जो ट्रक हैं ट्रक से ये लोग पानी खरीदने पर निर्भर रहते हैं। इस पूरी समस्या को अगर आप ध्यान से देखें तो जो चेन्नई में बारिश होती है वो 1200 से लेके 1250 मिलीमीटर पानी दर्ज किया जाता है। 2015 में जब बाढ़ आई थी तब तो ये जो रिकॉर्ड है ये आगे बढ़कर 1400 मिलीलीटर पानी हो चुका था। उस समय में एक और ये बात बताई जाती है कि 300 TMC पानी समुद्र में व्यर्थ गवा दिया गया था, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है चेन्नई की उसके होने के बावजूद भी जो यहाँ पर ठीक तरह से समय समय पर इन लोगों ने उन वाटर बॉडीज की रख रखाव नहीं किया था, उन वाटर बॉडीज को ठीक नहीं किया था, इस वजह से स्टोर नहीं कर पाए लोग पानी और उसको समुद्र में बहाना पड़ा। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा शहर जहां पर 1200 से लेके 1400 मिलीमीटर पानी बारिश का दर्ज होता है, उस शहर में आखिर सूखा कैसे पड़ सकता है? उस शहर की जो वाटर बॉडीज हैं वो बंजर जमीन जैसी कैसे दिख सकती हैं? क्या आप दुबई में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं, या फिर अरब के किसी स्टेट में रहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मिलीमीटर पानी ही दर्ज किया जाता है बारिश का? ऐसा नहीं है, यहां पर खूब बारिश होती है, इतना पानी जो शायद आने वाले 2 से 3 सालों तक इस शहर की पानी की समस्या को हल कर सके। चेन्नई को एक्सपैंड किया गया हाल ही में, जिसका नाम रखा गया ग्रेटर चेन्नई। ग्रेटर चेन्नई की अगर आप बात करें तो 4,100 वाटर बॉडीज वहां पर हैं, यानी छोटे बड़े नदी नाले तालाब इस तरह की चीजें वहां पर हैं, जिसको किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं किया गया है। यानी अगर आपकी जो सरकार है जिसने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करी है, जो सिर्फ ये सोचती है कि पड़ोसी स्टेट से किस तरह से पानी लेके आया जाए और लोगों तक बांटा जाए, या फिर ये सोचती है कि जो पानी है उसमें कितनी कटौती करी जाए और इस कटौती के बाद लोगों तक कैसे पानी पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार ने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान अगर हमें करना है तो किस तरह से करना है। इस शहर में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 1200 से लेके 1400 मिलीमीटर जो पानी जो बारिश का आता है उसी को अगर आप स्टोर करने की कोशिश करें तो आने वाले 2 सालों तक पानी की समस्या नहीं होगी। ग्रेटर चेन्नई में जो 4100
वाटर बॉडीज हैं, अगर उसको दुरुस्त किया जाए, उनको ठीक से उनका रखरखाव किया जाए, तो शायद उसी एक इलाके से आप 120 टीएमसी पानी स्टोर कर सकते हैं, जो चेन्नई में पहले से जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम कुछ पल के लिए अलग कर देते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो हमारे दयालु बिल्डर्स हैं उन लोगों ने बिल्डिंगें बना दी हैं, घर बना दिए हैं, जो पानी के जाने का रास्ता है उनको एक तरह से रोक दिया है। ये सिर्फ चेन्नई की समस्या नहीं है, देश भर में जहां जहां पर भी वाटर बॉडीज हैं उन सभी को इसी तरह से किया है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो जो अक्षरधाम मंदिर है वो भी यमुना के वाटर बैंक में ही बना है। उसके अलावा यमुना पार अगर आप की बात करें तो पूरे यमुना के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, वो तमाम जो रास्ते हैं, जो पानी के आने जाने के रास्ते हैं, कुछ एक बिल्डर्स ने, कुछ एक राजनेताओं ने इसको बेच दिया, और जो आज समस्या हम हर शहर में देखते हैं, या तो बाढ़ आ जाती है, फिर सूखा पड़ जाता है, तो सब इसी का एक कारण है। खैर, वापस लौटते हैं समस्या पर। समस्या का समाधान आखिर कैसे हो, समस्या का समाधान आखिर कैसे नहीं हो पा रहा है, ये ज्यादा सही सवाल है, क्योंकि जो सरकारें हैं उनके पास प्लानिंग ही नहीं है। जो लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है जो भी बारिश का पानी होता आता है वो जाता आखिर कहाँ है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो प्लानिंग है उसको पहले से ही बना के रखे कि कभी भी जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उनको जितना भी बारिश का पानी आता है एक तरह से उसको डाइवर्ट कराया जा सके और उसको भरा जा सके। चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ये तमाम शहर ऐसे हैं जिन्होंने कई बार बाढ़ का सामना किया है, और उसी के अगले ही साल अगर आप देखें तो बारिश नहीं भी होती है वहाँ पर। भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर भरपूर बारिश होती है, यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आप समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाएं या फिर पड़ोसी स्टेट से आप पानी को लेने की कोशिश करें, इन सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप ऐसा भी कहें जितनी भी हमारी नदियां हैं क्या आप उसको एक कर दें तो पानी की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, तो शायद वो तरीका ही इतना पेचीदा है कि इसको करने में कई साल लग जाएंगे, काफ़ी पैसा खर्च होगा, और शायद एक तरह से संभव भी नहीं है। लेकिन जो आपके पास लोकल रिसोर्स है, जो आपके पास नेचुरल रिसोर्स है, अगर आप इसको सही तरह से यूटिलाइज करें तो शायद कहीं पर भी ना बाढ़ आएगी ना ही कभी सूखा पड़ेगा। यानी जो आपके नदी नाले हैं इनको ठीक से गहराई से खोदा जाए, दोबारा से इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जितना भी बारिश का पानी हो इन तमाम नदी तालाब नालों में इनको भरा जा सके, स्टोर करा जा सके। इससे फ़ायदा ये होगा जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है, जो पानी है वो हमेशा भरा रहता है, ताकि आपके घर तक जो भी आपका वाटर मेट्रो कॉरपोरेशन है वो आपके घर तक नलके के द्वारा ही पानी पहुंचा सकता है, आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने पहले बताया कि ग्रेटर चेन्नई में हमें 4100 तालाब वाटर बॉडीज हैं, अगर उनको ठीक से रिस्टोर किया जाए तो साल भर में 120 टीएमसी पानी इकट्ठा किया जा सकता है। चेन्नई शहर की अगर आप बात करें तो एक महीने में सिर्फ इस शहर को एक टीएमसी पानी की ही ज़रूरत होती है। साल भर की अगर आप बात करें तो 12 टीएमसी पानी, जो ग्रेटर चेन्नई है उसकी जो खपत है वो है 25 टीएमसी पानी, यानी कुल मिला के भी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 40 टीएमसी पानी ही साल भर में खर्च होता है। लेकिन जो आप स्टोर कर सकते हैं 4100 वाटर बॉडीज में वो है 120 टीएमसी पानी, यानी अगर आने वाले 3 सालों में भी इस शहर में पानी नहीं होता बरसता है तब भी इस शहर की पानी की समस्या सुलझ सकती है, इनको कभी पानी की परेशानी आ ही नहीं सकती है। जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र है, जो महकमा है जो पानी के रेस्टोरेशन में काम करता है, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पानी की समस्या से आपको जल्द ही निजात मिल पाएगी, ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जितनी भी सरकारें या फिर जितने भी सरकारी महकमे इस काम में लगे हैं उन्होंने शायद ऐसा काम नहीं किया है कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप एक ऐसा महकमा बनाएं, एक साइंटिफिक महकमा बनाएं जिनका सिर्फ काम ये हो कि जितना भी हमें बारिश का पानी आता है वो कितने दिन बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, कहां कहां पर ज्यादा बारिश होती है, और जो बारिश के पानी का जो रास्ता है क्या उसमें कहीं रुकावट है, कहां क्या उसमें कहीं कोई बाधा आ रही है कि वो पानी जाकर सीधे नदी नालों में ना पहुंच पा रहा हो, तो उस बाधाओं को साफ किया जाए, उसका जो रास्ता है, जो
पुराना रास्ता है, उस रास्ते को ठीक से किया जाए। अगर आपको सही तौर पर नहीं भी पता है कि कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज थी, तो पुराने मैप्स को निकाल के देखा जाए, अभी के मैप के साथ कंपेयर किया जाए और देखा जाए कि आखिर कितने वाटर बॉडीज के जो ज़मीनें हैं वो इस तरह के बिल्डरों ने जब्त कर रखी हैं, उनसे वो ज़मीनें ली जाएँ, जो पानी का जो रास्ता था, जो पानी का जो ज़मीन थी उसको लौटाई जाए, ताकि पानी आराम से नदी नालों तक पहुँचे, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो हमेशा से भरी रहें और इस तरह के कि सूखा या फिर बाढ़ की समस्या से हमें ना जूझना पड़े। आशा करते हैं इस रिपोर्ट से आपको भी कुछ समझ में आया होगा कि हम जो पानी है, जो बारिश का पानी है, उससे किस हद तक इन तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।